अब अगर आप लोग देखेंगे तो हमारा देखो ये पानी जो है एक तेज पानी एक टाकी ये हो गया और ये मीठा पानी एक इधर हो गया और एक इधर हो गया और एक इधर हो गया। ये हमारे चार टाकी पानी बनके हो गए हैं रेडी। अब चलो मैं उठा के रखता हूँ गाड़ी के ऊपर। अब अगर आप लोग देखेंगे तो हमारा पानी पूरी हो गया बनके रेडी। अब आप लोग देख सकते हैं उसके बाद ये हमारा दूसरा गाड़ा लगाऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद, और उसके बाद चलो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा रोड के ऊपर हम लोग बेचते कैसे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दिल से हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आप लोगों को गोलगप्पे का पानी बनता कैसा है अगर आप लोग रियल में गोलगप्पे वाले से सीखना सोच भी रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा गोलगप्पा अभी बनके रेडी हुआ है। और मैं आप लोगों को अब दिखाने जा रहा हूँ पानी बनाने का बिल्कुल एकदम आसान और सटीक तरीका, और वो भी आज सबसे खास बात बगैर इमली का ही बनाऊंगा और एकदम परफेक्ट एकदम बाजार जैसा बनेगा। आप लोग देख सकते हैं हम लोग मशीन से ही बनाते हैं, और ये हमारा पेटी अभी खाली पड़ा है, अभी भरेंगे इसके अंदर। और इधर अगर आप लोग देखेंगे तो ये हमारा ये भर के हो गया है रेडी। अभी देखो आधा डाले इसके अंदर। अब चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ बिल्कुल एकदम जबरदस्त एकदम बहुत ही सटीक एकदम बाजार जैसा अगर सोच रहे तीखा चटपटा पानी बनाना तो बहुत आसानी से सीख जाएंगे। चलो मैं शुरू करता हूँ। देखो पानी बनाने से सबसे पहले ये हमारा है ये पूरा सामान मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं तो ये हमारा सादा नमक 1 किलो सादा नमक, ये हमने काला नमक भिगा के रख दिया है ये, और ये हमारा जीरा पाउडर गरम मसाला इसमें मिक्स है, और ये है हमारा खट्टा करने के लिए बगैर इमली का आज पानी बनाऊंगा तो वो है, और ये हमारा पुदीना, और ये धनिया हरा धनिया हरी मिर्ची, और उसके बाद और मीठा पानी बनाने के लिए जो हमारा है ये आप लोग देख सकते हैं ये हमारा 3 किलो शक्कर, ये 3 किलो शक्कर, और इसमें हम डालेंगे इमली, ये इससे बनेगा मीठा पानी। और ये है हमारा पूरा सामान, और ये हमारा दोनों टाकी है एकदम रेडी। अब चलो मैं शुरू करता हूँ बनाना, और आप लोग अगर अच्छे से देखेंगे तो एकदम घर बैठे बहुत आसानी से परफेक्ट एकदम पानी पूरी का पानी गोलगप्पे का पानी बगैर इमली वाला पानी अगर सोच रहे हैं बनाना तो बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। चलो मैं अब शुरू करता हूँ। अब सबसे पहले डालूंगा इसमें मैं अपना सादा नमक, ये अब यहाँ से शुरू करता हूँ। ये अगर आप लोग ये वीडियो अगर अच्छे से देखेंगे तो बहुत ही आसानी से बिल्कुल एकदम परफेक्ट बाजार जैसा पानी बनाना बहुत ही आसानी से तीखा खट्टा चटपटा पानी बहुत ही आसानी से बना लेंगे। ये एक पैकेट पहले डाला, आधा किलो का हमारा पैकेट है, अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ ताकि कन्फ्यूजन बिल्कुल ना रहे तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा आधा किलो 500 ग्राम, ये आधा किलो पहले डाल दिया, उसके बाद इसमें से 100 ग्राम और डालूंगा, ये हो गया 600 ग्राम। 600 ग्राम डालने के बाद अब जब तक इसमें डाल देता हूँ शक्कर, ये हमारा ये है 3 किलो शक्कर, अरे अभी तो गिर जाता था, ये है 3 किलो शक्कर गया, और उसके बाद इसमें डालूंगा अपना इमली का पानी, ये आप लोग देख सकते हैं ये इमली अच्छे से निकाल लिया इसमें से, ये गया इमली का पानी, ये बनेगा मीठा पानी और ये बनेगा हमारा खट्टा पानी। अब इसको रखते हैं साइड में, इमली हो गया शक्कर हो गया, अब इसको हम थोड़ा सा हिला के मिक्स कर लेंगे ताकि ये गल जाए और एकदम अच्छा बढ़िया फर्स्ट क्लास बने। अब ये हिसाब से जब तक इसको गलने देते हैं, अब इसमें डाल लेते हैं अपना खट्टा करने के लिए अपना खटाई, ये हो गया खटाई, अब इससे हो जाएगा ये खट्टा, और उसके बाद थोड़ा सा इसको भी हिला देंगे ताकि जल्दी से मिक्स हो जाए और गल जाए जल्दी से। अब इसमें मिला देंगे अपना ये काला नमक जो हम भिगा के रखे थे, ये हमारा पूरा खड़ा काला नमक है, ये बिल्कुल एकदम खड़ा काला नमक है, इसको हम पहले कूट के भिगा दिए हैं पानी में ताकि हमारा, और जो टेस्ट इसका है ना एकदम ज़बरदस्त टेस्ट आएगा अगर ये काला नमक कभी भी खड़ा डालेंगे तो।
अब ये हो गया काला नमक, सादा नमक, काला नमक और ये खटाई, ये हो गया। अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें अपना धनिया और मिर्ची की चटनी, इसको भी थोड़ा हिला देते हैं जब तक। इसको भी हिला दिए, अब उसके बाद डालेंगे अपना चटनी। ये आप लोग देख सकते हैं इतना सारा चटनी इसके अंदर डालने वाला हूँ। ये गया इसके अंदर इतना सारा चटनी। अब थोड़ा सा और डालेंगे इसके अंदर हम पानी, बिल्कुल। अगर आप लोग देखेंगे तो अब धीरे धीरे ये पानी पूरी का पानी लगने लगा। अब इसको भी हिला देते हैं थोड़ा सा। अब ये थोड़ा सा पानी और डालने के बाद अब इसमें डालूंगा, देखो ये हमारा धनिया, ये सिर्फ पुदीना है, ये सिर्फ पुदीना है। अब इसके अंदर मिला दिया पुदीना। ये पुदीना डालने के बाद अब इसको थोड़ा सा हिला दूंगा ताकि एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए हमारा। ये हो गया हमारा तीखा पानी, बिल्कुल एकदम शुद्ध। अगर आप लोग सोच रहे हैं बिल्कुल एकदम घर पर बिल्कुल आसानी से बनाना, तो ये परफेक्ट वीडियो एकदम, अगर आप लोग ये हिसाब से बना लिए तो एकदम बाजार जैसा एकदम तीखा चटपटा पानी बहुत ही आसानी से बना लेंगे। अब अगर आप लोग देखेंगे तो हमारा मीठा पानी और ये हमारा तीखा पानी, ये अब इसमें सिर्फ डालूंगा थोड़ा सा अपना ये गरम मसाला, ये हमारा जो गरम मसाला। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा कि गरम मसाला बनाना कैसे है। ये है हमारा गरम मसाला, एकदम हो गया ये हमारा परफेक्ट पानी पूरी का पानी, गोलगप्पे का पानी बनके एकदम एकदम फाइनली रेडी। अब आप लोग देख सकते हैं इसका कलर और इसका टेस्ट जो है ना एकदम जबरदस्त, एकदम फर्स्ट क्लास, बाजार वाला जो बोलते हैं ना बाजार वाला, तो बाजार का ही टेस्ट आएगा एकदम फर्स्ट क्लास। एकदम पानी बनके हो गया है रेडी हमारा। अब इसको चलो मैं अपने टाकी में निकाल लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एकदम हमारा कितने गाढ़े हैं, कैसे हम लोग बेचते हैं। अब अगर आप लोग देखेंगे तो हमारा देखो ये पानी जो है, एक तेज पानी एक टाकी ये हो गया, और ये मीठा पानी एक इधर हो गया, और एक इधर हो गया, और एक इधर हो गया। ये हमारे चार टाकी पानी बनके हो गए हैं रेडी। अब चलो मैं उठा के रखता हूँ गाड़ी के ऊपर। अब अगर आप लोग देखेंगे तो हमारा पानी पूरी हो गया बनके रेडी। अब आप लोग देख सकते हैं उसके बाद ये हमारा दूसरा गाड़ा लगाऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद, और उसके बाद चलो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा रोड के ऊपर हम लोग बेचते कैसे हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।